नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज की रेसिपी में सावन स्पेशल राजस्थान की फेमस स्वीट्स घेवर बनाने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना प्यार दें। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले रेवड़ी तैयार करूँगी। उसके लिए मैं 500 ml दूध लूँगी और उसे पैन में रख दूँगी और गैस पर चढ़ाऊँगी। जब उसमें उबाल आ जाएगी तो मैं उसे मीडियम फ्लेम कर दूंगी और उसे चलाती रहूंगी और उसे पकाती रहूंगी ऐसे। अब थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, मैं उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दूंगी और उसे पकाती रहूंगी ऐसे पकाते पकाते। अब हमारे 10 मिनट हो गई हैं। अब हमारी रेबड़ी जो है गाढ़ी हो गई है, मैं इसे एक बॉल में निकाल दूंगी ठंडे होने के लिए। मैं चाशनी बनाने जा रही हूँ या शुगर सिरप। उसके लिए मैं सबसे पहले एक पैन लूँगी और उसमें एक बॉल में चीनी डाल दूँगी और उसी बॉल से मैं एक बॉल पानी भी डाल दूँगी। अब मैं गैस पे चढ़ाऊँगी उसे और उसे मीडियम फ्लेम पे मैं चीनी को चलाती रहूँगी। अब हमारी चीनी जो है मेल्ट हो गई है, मैं उसे धीरे धीरे चलाती रहूँगी ऐसे करके। मैं अब उसमें इलायची पाउडर डालूँगी थोड़ी सी और आधी चम्मच में रोज़ वाटर डालूँगी। हमारी चाशनी भी जो है वो तैयार हो गई है। चाशनी किसी भी तार की नहीं होनी चाहिए, कोई भी तार नहीं बननी चाहिए, वो हल्की चिपचिपी होनी चाहिए। देखिए चाशनी हमारी चिपचिपी है। हमारे 5 से 7 मिनट में चाशनी तैयार हो गई है। अब मैं इसे ठंडे होने के लिए रख दूंगी। अब मैं घेवर की बैटर तैयार करने जा रही हूँ। मैं उसके लिए एक बॉल लूँगी और उसमें मैं 4 चम्मच देसी घी डालूँगी और उसमें 5-6 टुकड़े आइस के डालूँगी और उसे अब मैं अपने हाथों से उसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे, मेल्ट करते रहेंगे। अब क्रीमी टेक्सचर आने लगी है। अब थोड़े थोड़े ऐसे जो क्रीमी क्रीमी बन जाएगी हमारी, जब वाइट वाइट हो जाएगी क्रीम तो हमारी जो है वो तैयार हो जाएगी जो क्रीम। अब हमारी जो वो जो घी की थी वो वाइट कलर की क्रीम जैसे बन गई है। अब मैं उसमें एक गिलास दूध ली हूँ। दूध हमारी बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए, बर्फ जैसी, तभी हमारी जो है ये जो मैदा की जो घोल अच्छी सी बनेगी। एक बॉल मैदा ली हूँ, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा कर डालूँगी और थोड़ा सा डालकर अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। कर मिक्स करती रहूँगी, चलाती रहूँगी और फिर मैं जो मैदा बची हुई वो डालती रहूँगी और फिर दूध भी डालूँगी ऐसे करके। मैं कटोरी मैदा जो है और एक गिलास दूध है उसकी बैटर में बना लूँगी और उस उसमें मैं 1 चम्मच लेमन जूस डालूँगी और 1 चम्मच में बेसन डालूँगी और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब हमारी घोल जो है वो तैयार हो गई है। मैं कल से गिरा के दिखा रही हूँ। घोल की जो बैटर है इतनी पतली होनी चाहिए। अब मैं एक पतीला ली हूँ जो गहराई की है, उसमें मैं इसी में मैं घेवर बनाऊँगी और मैं उसे गैस पे चढ़ाऊँगी और उसमें रिफाइंड ऑयल में आधे पतीले डाल दूँगी और जब हीट गर्म हो जाएगी गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल हाई होनी चाहिए और जो रिफाइंड ऑयल है हमारी वो बिल्कुल हीट गर्म होनी चाहिए। अब जो मैं बैटर की कलछी से 2 बूंद गिराऊंगी और वो जो हमारे बैटर वो घी में किनारे होती जा रही है ऐसे, मैं फिर 2 बूंद गिराऊंगी और वो किनारे होती चली जाएगी ऐसे करके हमारी जो घेवर के वो जाली बन जाएगी। और बैटर में डालती रहूंगी और वो जाली बनाती रहेगी ऐसे करते करते बन जाएगी हमारी जाली। तो मैं एक कलछिल के है उससे पीछे वाले साइड से मैं उसे बीच में होल भी कर दूंगी। अब मैं उसे बकने दे दूंगी और जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं उसे चाकू के सहारे से उसे किनारे छुड़ा लूंगी। अब मैं इसे कलछिल के पीछे वाले साइड से मैं इसे निकाल लूंगी और प्लेट में रख लूंगी। अब हमारी जो घेवर है वो बन गई है। अब मैं इसमें जो शुगर सिरप बनाई थी चाशनी वो मैं इस पे डाल दूंगी चम्मच से चारों तरफ। और जो मैंने रेबड़ी तैयार करी थी वो भी डाल दूंगी मैं अच्छे से चारों तरफ। इसमें पिस्ता डाल दूंगी और पिस्ता डालने के बाद मैं इसमें फिर बादाम भी डाल दूंगी। और अब मैं इसमें
चांदी के जो वर्क आते हैं वो लगा दूंगी। अब घेवर जो अच्छे से बन गई है। फाइनली अब हमारी यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी घीवर की रेसिपी रेडी हो गए हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई कर देखें और ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।